क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेदा या डिप्लोमा इन फार्मेसी एलोपैथी हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अगर आपने अभी तक वैकेंसी का इंतजार किया है तो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। और मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सी वैकेंसी निकली है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, जान लेते हैं क्या चीजें हैं, क्या अपडेट है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि यूपी फार्मासिस्ट की भर्ती आने वाली है 2021 में, इस सत्र में ही आपको वैकेंसी मिलने वाली है। तो जान लेते हैं पदों की संख्या कितनी है। तो जी हाँ, जो पद है वो 4,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं, फार्मासिस्टों की वैकेंसी आने वाली है, और रिक्तियां जो है 4,000 से भी ज्यादा हैं। तो बता दूं कि कैसी अपडेट है, कहां से मुझे ये अपडेट्स मिली, तो उसके लिए मैं आपको यहां पे एक न्यूज की कटिंग शेयर कर देता हूं। इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि ये वैकेंसी कैसी है, कैसी वैकेंसी है, और क्या चीजें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। तो आपको बता दूं कि यूपी में 4,000 से भी ज्यादा रिक्तियां जो हैं अलग अलग अस्पतालों में फार्मासिस्टों की बनी हुई हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है, और ये बताया है कि आपको जो भी रिक्तियां फार्मासिस्टों की है उसको जल्दी से जल्दी आपको पूरी कर लेनी है। तो 4,000 से भी ज्यादा रिक्तियां हमारे उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों की है, और उस पर जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, और इस पर सभी रिक्तियों को भरने के लिए जो जिम्मेदारी है वो स्वास्थ्य विभाग, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को ये जिम्मा दिया गया है। और ये जो चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग जो है, इस जिम्मे को पूरा करेगा, और इन्हीं को पूरा कार्यभार सौंपा गया है कि आप इन रिक्तियों को भरिए। तो मैं बता दूंगा आपको, वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ये सारी अपडेट मिलेगी, कैसे आपको वैकेंसी की जो भी चीजें हैं पता चलेंगी। तो मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपको ये अपडेट जाननी है, आपको ये सभी अपडेट डे टू डे आपको ये अपडेट लेनी है, तो आप www.uphealth.in पर आपको लॉग इन करना है, www.uphealth.in पे आपको लॉग इन करना है, और आपको जो भी अपडेट आई है यहाँ पे आपको सारी अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो वैकेंसी आने वाली है, जो भी रिक्तियां आने वाली है, मैंने बता दिया कि 4,000 से भी ज्यादा रिक्तियां आने वाली हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या मांगी गई है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं। रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूं कि जितने भी लोग 10+2 हैं और जिन्होंने 2.5 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, जी हाँ 2.5 साल का, 2.5 साल का डिप्लोमा इसलिए क्योंकि 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स है और 6 महीने की इंटर्नशिप है, वो बहुत ही जरूरी है। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, 6 महीने की इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। या जी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो वेट करें, क्योंकि इंटर्नशिप आपकी अगर लास्ट में हो रही है या कंप्लीट होने वाली है, तो ये इस वैकेंसी में आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपने जान लिया कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीजें मैंने बता दी। फिर अब जान लेते हैं एज लिमिट क्या है, क्या क्या एज लिमिट है, कितने एज के जो कैंडिडेट हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट कौन कौन से अप्लाई इसमें कर सकते हैं, कितना एज के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं, तो जी 24 ईयर और 40 ईयर, मतलब कि मिनिमम 24 साल से लेकर के मैक्सिमम 40 साल के जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में छूट की अगर देखें, तो अगर जो भी एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, मतलब कि रिजर्वेशन कोटा में जो भी कैंडिडेट आते हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी, और जो ओबीसी कोटा के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की एज में छूट मिलेगी। मतलब कि जिनकी 40 साल कंप्लीट हो गई है एससी और ओबीसी में, तो ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट हैं या हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं, उनको 10 साल की एज में छूट दी जाएगी। तो लिमिट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनका चयन कैसे होगा, तो ये भी बता दूं कि इसमें 2 स्टेप है। पहला तो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होना है, रिटन एग्जाम होना है,
ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रिटेन एग्जाम होगा और दूसरी चीज इसमें इंटरव्यू भी होगा, इसमें इंटरव्यू भी होनी है। मतलब कि आपके पास दो चीजें हैं, आप इसको पास करोगे तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपने जो भी डिप्लोमा में जो भी कोर्सेज में आपने जो भी पढ़ाई की थी आप उसको फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपको दो चीजें रिक्वायरमेंट जो है इसको जरूर ही कंप्लीट करना होगा, आपको रिटेन एग्जाम पास करना है, इंटरव्यू पास करना है, तो फिर आप जो वैकेंसी है वो आपकी है, आपकी जो जॉब कंफर्म है। अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो तो नेक्स्ट जो चीज है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मैं फार्मासिस्ट की पोस्ट पा गया तो गवर्नमेंट सैलरी मुझे कितनी देगी। जी हाँ, तो मैं सैलरी भी बता दूं, सैलरी जो है आपकी वो 5200 से 20200 रुपए सैलरी है, 5200 से 20200 रुपए सैलरी, और प्लस इसमें आप ग्रेड पे भी जोड़ दीजिए 2800 रुपए। तो सैलरी 5200 से 20200 रुपए और प्लस उसमें ग्रेड पे जोड़ देंगे तो 2800 रुपए ग्रेड पे भी मिलेगी, तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जो भी फार्मासिस्ट अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे वैकेंसी में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा या मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो मैं आप सभी के लिए आपके बीच में लेकर के आया था। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको जानना है कि आप कहां से अप्लाई कर सकते हो, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वो साइट आपको दे देता हूं, आप वहां से जा करके इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप वहां पे कलेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।